नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। उपस्थित हूँ आपके बीच सुबह की फास्ट 10 खबरों से। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां यूपी के प्रयागराज जिला के थाना खीरी क्षेत्र के लेड़ियारी मार्केट के मृत्युंजय सिंह की कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव, मार्केट हुआ सील। जापान का आ गया नया मोबाइल, लगता है आने वाले समय में टीवी सिनेमा थिएटर सब हो जाएंगे बंद। यूपी के वाराणसी जिला में कबीर चौरा हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही, कोरोना का मरीज बाहर घूमते हुए मिला। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के राजापुर तुलसी चौक में लॉकडाउन में लोग घूमते हुए मिले, पुलिस देख रही है तमाशा। बिहार के औरंगाबाद जिला के माली थाना क्षेत्र के चरण बाजार में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद मार्केट में छाया सन्नाटा। यूपी के वाराणसी जिले में पुलिस लाइन चौराहा से कचहरी तक पूरा सील कर दिया गया है। डॉक्टर शकील हड्डी वाले की कोरोना से हुई है मौत, परिवार के 18 लोग भी हैं कोरोना पॉजिटिव। यूपी के वाराणसी जनपद के करौता क्षेत्र में जमकर हुई बारिश, जिसमें मौसम हुआ सुहाना और गर्मी से मिली लोगों को राहत। बिहार के समस्तीपुर जिला का दल सिंहसराय थाना क्षेत्र के उर्दू मध्य विद्यालय महनैया में सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां। ग्रामीणों द्वारा प्रधान पर आवास और शौचालय के नाम पर गोलमाल का आरोप, तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का दिया आश्वासन। यूपी के एटा में हॉट स्पॉट एरिया में ड्रोन कैमरा उड़ाकर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। ये थी फास्ट 10 खबरें, जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों से। नमस्कार।